नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मेरठ में आज रैली करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मेरठ में रैली करेंगे अखिलेश यादव। सपा आरएलडी गठबंधन की वेस्ट यूपी में होगी शुरुआत, चुनावी अभियान का होगा आगाज। मेरठ करनाल हाईवे पर दबतुआ में होगी रैली, मेरठ में रैली करेंगे अखिलेश जयंत। सपा आरएलडी गठबंधन की वेस्ट यूपी में होगी पहली रैली, चुनावी अभियान का होगा आगाज। मेरठ करनाल हाईवे पर दबतुआ में होगी रैली, मेरठ में रैली करेंगे अखिलेश जयंत। तो अखिलेश यादव जयंत चौधरी पहली बार एक साथ रैली करेंगे, गठबंधन के बाद चुनावी अभियान का आगाज करेंगे दोनों। मेरठ करनाल हाईवे पर दबतुआ में रैली होगी, मेरठ में रैली करेंगे अखिलेश जयंत। सपा आरएलडी गठबंधन की वेस्ट यूपी में होगी पहली रैली। चंदौली में सपा नेता और पुलिस में हुई झड़प, पुलिस ने सपा नेताओं पर की कार्रवाई तेज। जिले भर में पुलिस कर रही छापेमारी, पूर्व सपा जिला अध्यक्ष बलिराम सिंह यादव समेत तीन गिरफ्तार। नेताओं की गिरफ्तारी के लिए कार्यालय में घुस गई थी पुलिस, पूर्व सांसद के हस्तक्षेप के बाद वापस लौटी पुलिस। चंदौली में सपा नेता और पुलिस में हुई झड़प, पुलिस ने सपा नेताओं पर कार्रवाई की तेज। जिले भर में पुलिस कर रही छापेमारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व सपा जिला अध्यक्ष बलिराम सिंह यादव समेत तीन गिरफ्तार। नेताओं की गिरफ्तारी के लिए कार्यालय में घुस गई थी पुलिस, पूर्व सांसद के हस्तक्षेप के बाद लौटी पुलिस। चंदौली में सपा नेता और पुलिस में हुई झड़प, पुलिस ने सपा नेताओं पर कार्रवाई की तेज। जिले भर में पुलिस कर रही छापेमारी, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष बलिराम सिंह यादव समेत तीन लोग गिरफ्तार। नेताओं की गिरफ्तारी के लिए कार्यालय में घुस गई थी पुलिस। चंदौली में युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च, बड़ी खबर सामने आ रही है चंदौली से, जहां बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर निकाला मार्च। बस्ती के युवाओं ने निकाला मार्च, चंदौली में युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च, बड़ी खबर चंदौली से सामने आ रही है, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर निकाला मार्च। बस्ती के युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च, चंदौली में युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। गोरखपुर का तिवारी परिवार बीएसपी से बाहर, बीएसपी से निकाले गए तिवारी परिवार के नेता। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी पार्टी से निकाले गए, कुशल तिवारी, गणेश शंकर पांडे भी निकाले गए। मायावती ने तीनों नेताओं को पार्टी से निकाला। बीएसपी से निकाले गए तिवारी परिवार के नेता, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी पार्टी से निकाले गए, कुशल तिवारी, गणेश शंकर पांडे भी निकाले गए। मायावती ने तीनों नेताओं को पार्टी से निकाला। सपा में शामिल हो सकता है तिवारी परिवार। गोरखपुर का तिवारी परिवार बीएसपी से बाहर, बड़ी कार्रवाई की गई है और बीएसपी से तिवारी परिवार को बाहर निकाल दिया गया है। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। मिर्जापुर में हुआ दर्दनाक हादसा, मिर्जापुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुआल में आग लगने से झुलसे तीन बच्चे, आग की चपेट में आने से तीनों बच्चों की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मिर्जापुर मड़िहान थाने के पचोखरा का मामला, मिर्जापुर में हुआ दर्दनाक हादसा, बड़ी खबर सामने आ रही है। पुआल में आग लगने से झुलसे तीन बच्चे, आग की चपेट में आने से तीनों बच्चों की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी।
मिर्जापुर मड़िहान थाने के पचोखरा का मामला। मिर्जापुर में हुआ दर्दनाक हादसा, बड़ी खबर सामने आ रही है, पुआल में आग लगने से झुलसे तीन बच्चे। गोरखपुर में पीएम मोदी आज जाएंगे, आज सुबह 11 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 100 अरब के विकास कार्यों की देंगे सौगात, 1011 करोड़ की सौगात देंगे। सुरक्षा व्यवस्था में 2 डीआईजी और 8 एसपी लगे हैं, सुरक्षा व्यवस्था में 10 कंपनी पैरामिलिट्री तैनात की गई है। आरएमआरसी की हाईटेक लैब का होगा उद्घाटन। गोरखपुर में पीएम मोदी का आगमन आज सुबह 11 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 100 अरब के विकास कार्यों की देंगे सौगात, 1011 करोड़ की बनी सौगात देंगे। सुरक्षा व्यवस्था में 2 डीआईजी 8 एसपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद, सुरक्षा व्यवस्था में 10 पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई। आरएमआरसी की हाईटेक लैब का होगा शिलान्यास। 11 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 100 अरब के विकास कार्यों की देंगे सौगात, 1011 करोड़ से बनी एम्स की देंगे सौगात, सुरक्षा व्यवस्था में 2 डीआईजी और 8 एसपी रहेंगे तैनात, सुरक्षा व्यवस्था में 10 कंपनी पैरामिलिट्री भी रहेगी मौजूद, आरएमआरसी की हाईटेक लैब का होगा उद्घाटन। वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम मोदी, बड़ी खबर सामने आ रही है, 9 दिन में 2 बार काशी का दौरा करेंगे, देश को समर्पित करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 13 दिसंबर को करेंगे कॉरिडोर का उद्घाटन। वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम मोदी, बड़ी खबर सामने आ रही है, 9 दिन में 2 बार काशी का दौरा करेंगे, देश को समर्पित करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 13 दिसंबर को करेंगे कॉरिडोर का उद्घाटन। वाराणसी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 9 दिन में 2 बार काशी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश को समर्पित करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 13 दिसंबर को करेंगे कॉरिडोर का उद्घाटन। वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम मोदी, 9 दिसंबर में 2 बार काशी का दौरा करेंगे, देश को समर्पित करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। देश में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए सामने, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए मिले, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 10 हुई, देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 23 हुई, दोनों ही 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। देश में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए सामने, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले मिले, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या हुई 10, देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 23, दोनों ही 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। देश में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए सामने, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले मिले, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या बढ़ी, देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या हुई 23। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।